मैं सबको एहतराम देता हूं, अदब और इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, इसके बगैर तो मज़ा भी नहीं आता। नैब केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा सोशल मीडिया पर गुड टू सी यू खान साहब भी गलत अंदाज में पहुंचाया गया, मैं ये हर किसी को कहता हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में तीन रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत हुई। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान कराची से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमसे बहुत दूर हैं। हुकूमती वकील ने कहा कि हालात ऐसे ही थे कि यकीन नहीं था अदालत पहुंच सकूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा कि मालूमात मिल सके। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इमरान खान के वकील वाजे करें वो किन तरामीम को किन बुनियादों पर चैलेंज करते हैं। खुद से ये तय नहीं कर सकते कि नैब कानून में तब्दीली से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो गए। तहरीरी मवाद देखने के बाद जरूरत हुई तो मजीद समाअत करेंगे। अगर फरहाम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो फरीकैन को आगाह कर देंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा हुकूमत ने नैब कानून में तीसरी तरमीम की है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हुकूमत भी तो हमारा इम्तिहान लेती जा रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा मुकदमे को मजीद लटकाना नहीं चाहते क्योंकि छुट्टियों में शायद बेंच दस्तियाब ना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया पर तो गुड टू सी यू खान साहब भी गलत अंदाज में चलाया जाता है, मैं भी हर एक को गुड टू सी यू कहता हूँ, सबको एहतराम देता हूँ, अदब और इखलाक सबके लिए जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।